अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टाइल कॉर्नर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे से ब्लैक कलर के साथ ड्रेसेस सिखाऊंगी। कुछ मिडी ड्रेसेस आप देखेंगे, कुछ मैक्सी ड्रेसेस आप लोग देखेंगे, फ्रॉक स्टाइल के साथ, एयरलाइन स्टाइल के साथ मैं आपको ड्रेसेस दिखा रही हूँ। ये देखें व्यूअर्स, डिफरेंट फैब्रिक के साथ आप लोग ये ड्रेसेस देख रहे हैं। शिफॉन के साथ भी हैं, नेट के साथ भी हैं, सिल्क के साथ भी हैं, और डिफरेंट फैब्रिक भी आप लोग देखेंगे। लेकिन बहुत ही सिंपल से, बहुत ही खूबसूरत से, बहुत ही स्टाइलिश से ड्रेसेस मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखा रही हूँ। बहुत प्यारे प्यारे से डिज़ाइनिंग आप लोग देख रहे हैं। ये देखिए व्यूअर्स, फ्रॉक स्टाइल के साथ, गाउन स्टाइल के साथ होम कमिंग ड्रेसेस भी हैं। ये देखिए फ्रॉक्स डिज़ाइन भी हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो जरूर तक देखिएगा। अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें, और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहें, और हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखें व्यूअर्स, फ्रिल डिटेलिंग भी आप देख रहे हैं, प्लेट्स के साथ भी डिज़ाइन देख रहे हैं, बहुत प्यारी सी बॉडी डिटेलिंग आप देख रहे हैं। ये देखें फ्रिल के साथ, रफल के साथ बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है। इस तरह देखें सिंपल से कैजुअल स्टाइल के साथ भी मैं आपको ड्रेसेस दिखा रही हूँ। पार्टीज के लिए भी आप लोग ड्रेसेस देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत और डिजाइन स्टाइलिश से। ये देखें डिफरेंट स्टाइल के ड्रेसेस हैं, होम कमिंग ड्रेसेस हैं, गाउन ड्रेसेस हैं, स्कैटर ड्रेसेस हैं, फ्रॉक डिजाइंस हैं, लाइन्स हैं, मैक्सी हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो जरूर तक देखिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मुझे ज़रूर कमेंट्स भी कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। एक बार फिर कहूँगी कि अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।